बिजी लोगों की डाइट में ऐसा क्या होना चाहिए जो कि उनको हेल्दी रखे, जो कि उनको पूरे दिन एक्टिव रखे, उनको एनर्जेटिक रखे, उसमें न्यूट्रिएंट्स का भरपूर मात्रा हो, भरपूर वाटर कंटेंट हो, प्लस वो ऐसा हो जिसको कैरी करना आसान हो, जिसको प्रिपेयर करना आसान हो, जो बहुत कम टाइम में बन जाए, बहुत कम एफर्ट्स में जो रेडी हो जाए। सो ऐसी सारी चीज़ों को लेते हुए, इतनी सारी लिमिटेशंस में काम करते हुए हम लेके आए हैं 6 स्पेशल टिप्स स्पेशली फॉर बिजी पीपल। जो लोग बिजी प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करें, कैसी हो उनकी डाइट जो कि उनको हेल्दी रखे, जो कि उनकी ओबेसिटी को, जो बढ़ता हुआ मोटापा है उसको भी मेंटेन करके रखे, और जो लोग ऑलरेडी ओबेस हैं उनकी ओबेसिटी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करती जाए। सो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें स्पेशली हमें ध्यान में रखनी होंगी। पहली चीज़ जो हम इन सारी लिमिटेशंस के साथ इजी वे में कर सकते हैं, हम वो काम करेंगे। जो मिस्टेक्स ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। उसके अलावा इन अप्रोचेस के बियॉन्ड जाके हमें थोड़े से एफर्ट्स और डालने होंगे, क्योंकि हमें काम करना है अपनी फिटनेस पे, हमें काम करना है अपनी हेल्थ पे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम, थोड़े एफर्ट्स ज़रूर डालने होंगे। बात कर लेते हैं अपने पहले टिप की, दैट इज़ वेरी ईजी। हमें करना क्या है, मॉर्निंग में ईजी क्विक एंड हैवी ब्रेकफास्ट रेडी करना है। कोई भी ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि ईजी हो बनाना, जिसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, प्लस वो थोड़ा हैवी हो, क्योंकि इन केस अगर आपका लंच थोड़ा सा डिले हो जाता है आपको भूख ना लगे, और इसमें न्यूट्रिशन भी फुल होना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में, इनमें से कोई भी चीज़ आप मॉर्निंग में बना सकते हैं। सारी ही चीज़ें बनाना बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने घर से अपने बैग में डेली क्या कैरी करना है। आपको वहाँ पे तीन चीज़ें कैरी करनी है कंपलसरी बेसिस पे। पहला है आपका टिफ़िन, आपका टिफ़िन जो आप डेली घर से कैरी करेंगे, क्योंकि कैंटीन में जो भी चीज़ें मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द फूड्स आर अनहेल्दी, या तो जंक फूड होते हैं या फिर पैक्ड होते हैं, वो कहीं से भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उल्टा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सो डेली घर का बना हुआ सिंपल खाना आपको लेके जाना है। वो थोड़ा ठंडा ज़रूर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट उससे आपकी हेल्थ मेंटेन रह सकती है, सो क्यों नहीं। दूसरी चीज़, हमें एक छोटा सा बॉक्स और कैरी करना है जिसमें होंगे कुछ हेल्दी स्नैक्स। उसमें आप क्या डाल सकते हैं, आप ड्राई करके या तो पीनट्स डाल लें, या फिर मखाने डाल लें, या फिर भुने हुए चने आप ले सकते हैं, या फिर कुछ नट्स डाल सकते हैं, कुछ सीड्स डाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मिनिमम कैलोरी में हमें थोड़ा सा फाइबर दे दें, थोड़ा सा एनर्जी दे दें, क्योंकि उस टाइम में हमें सिर्फ थोड़े की ज़रूरत होती है। शाम का जो टाइम होता है, टी वाला टाइम, उसमें हमें थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, दैट विल बी इनफ। अब बात कर लेते हैं टी और कॉफ़ी की, अगर हमने बात की है तो पानी। जब भी हम डेस्क पे बैठे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि हम बाहर उठ के जाने के चक्कर में, उठ के पानी पीने के चक्कर में हम पानी नहीं पीते, पानी अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि काम का लोड इतना ज़्यादा होता है, हम उठना नहीं चाहते, 5 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते। वैसे तो मैं कहूँगी आप उठ के जाके जहाँ भी पानी है वहाँ जाके अगर आप पानी पियेंगे बार बार, ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस दौरान आप थोड़ा सा चलेंगे, उससे आपकी कुछ तो कैलोरीज बर्न होंगी। बट इन केस आप बहुत बिजी हैं, उस केस में आपको अपने टेबल पे एक बॉटल ज़रूर रखनी है। अब प्लीज़ वो बॉटल प्लास्टिक की आप मत कैरी करिएगा, या तो आप स्टील की कोई भी बॉटल ले लीजिए, या फिर तांबे की बॉटल आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। सो बॉटल आपको ज़रूर कैरी करनी है। और जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, ऑफिस में यूजुअली बहुत सारी कॉफ़ी, बहुत सारी चाय चलती रहती है लगातार, जो भी आया चाय पिला दो, जो भी आया कॉफ़ी पिला दो। सो आपको यही चीज़ें अवॉइड करनी है, कुछ अलग नहीं करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी होती आ रही हैं उनको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। सो एक्स्ट्रा टी एंड कॉफ़ी आपको रिप्लेस कर देनी है ग्रीन टी से, बट ग्रीन टी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पीनी है। मैक्सिमम अगर आप पी सकते हैं तो 3 ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके बियॉन्ड प्लीज़ बिल्कुल ना जाएं। आपको जब भी कुछ खाने का, कुछ पीने का मन कर रहा है, आप प्लीज़ पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी बॉडी कंफ्यूज होती है कि उसे भूख लग रही है या फिर प्यास लग रही होती है। कई बार प्यास लगी है बट हम उस टाइम में कुछ ना कुछ खा लें। स्मार्ट वे ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए, आई नो आपके पास टाइम नहीं होगा, बट इन केस आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 30-40 मिनट्स आप ज़रूर निकाल लीजिए, या तो साइकिलिंग के लिए, या फिर आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, या फिर थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा वॉकिंग ऐसे आप कर सकते हैं, आप इंटरवल वॉकिंग कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं,
आप जब ऑफिस जा रहे हैं ऑफकोर्स आप जल्दी में हैं उस टाइम में आप नहीं कर सकते, बट जब आप आ रहे हैं एटलीस्ट एक स्टॉपेज पहले या तो अपनी कार छोड़ दीजिए या फिर आप लोकल कन्वेंस से आते हैं तो आप प्लीज़ उसे वहीं पर छोड़ दीजिए और वहाँ से आप पैदल चल के आ सकते हैं। आप मार्केट तक जा रहे हैं, पास की शॉप तक जा रहे हैं, वहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं। आप अपने फ्लैट तक जा रहे हैं, हमेशा लिफ्ट ना यूज़ करें, कभी लिफ्ट ले लें, कभी आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। आपको बच्चों को ड्रॉप करना है स्कूल तक, अगर स्कूल पास में है तो आप चल के जा सकते हैं। सो आई मीन टू से आपको जहाँ भी मौका मिलता है प्लीज़ आप मौका मत गवाइए चलने का और सीढ़ियाँ चढ़ने का, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना और चलना दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आप कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में जो कि आपके स्टेप्स को, जो कि आपकी कैलोरीज को, आपके किलोमीटर को बकायदा ट्रैक करके रखेगी और आपको बताती रहेगी कि आपने टोटल दिन में कितने स्टेप्स लिए। सो मिनिमम आपको 6000 स्टेप्स लेने हैं पर डे, बट आप ले सकते हैं तो प्लीज़ 8 to 9000 स्टेप्स डेली ज़रूर लें। उसके अलावा हमें क्या करना है, चाहे बात ऑफिस की हो या फिर घर की हो, आपका जैसे ही कॉल आता है आप उठ जाइए और वॉक करना शुरू कर दीजिए। जितनी देर आप बात करेंगे 5 minutes, 10 minutes उतनी देर आपको वॉक करते रहना है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी बात भी हो जाएगी एंड आपकी कुछ कैलोरीज तो ज़रूर बर्न होने वाली है। सो इस टाइप के कुछ स्मार्ट आइडियाज़ आपको सोचने होंगे, प्लान करने होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप जो भी खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं प्लीज़ कॉन्शियसली खाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अनकॉन्शियसली क्या खा रहे हैं, हमने कितना खा लिया, हमें एक्चुअल में भूख है नहीं है कुछ पता ही नहीं लगता। सो कॉन्शियस ईटिंग आपको करनी है, आप कितना खा रहे हैं, कितना पोर्शन आप ले रहे हैं, ये आप कैलकुलेशन करने में आपकी हेल्प करने वाला है कि आपने कितनी कैलोरीज ली। सो आपके कैलोरी इनटेक को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करने वाला है, प्लस आपने कितना पानी दिन भर में पिया, अगर आप एक कैलकुलेशन रखते हैं वो आपके लिए ईजी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक आपका बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। सो अपने खाने पे और अपने पीने पे थोड़ा सा नज़र रखिए। नाउ दी लास्ट पॉइंट, आप वीक के 6 दिन आपका जो भी लंच है, जो भी ब्रेकफास्ट है, उसको इजी और सिंपल रखें। कुछ स्पेशल बनाने के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। उसके लिए संडे है, आप जो चाहे बनाइए, जैसा चाहे बनाइए, जितनी चाहे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाइए, जितना चाहे पनीर बनाइए, डजन मैटर, बट इन 6 दिनों में आपको जो भी चीज़ें बनानी है रेसिपीज़ थोड़ा सिंपल चूज़ करें। बेटर है आपकी जो भी हाउस होल्ड हेल्पर है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं सब्जियां चॉप करने में, जो भी चॉपिंग का काम है, कटिंग का काम है, डो नीडिंग का काम है आप उससे करा सकते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से दूसरों को भी अपने काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए ताकि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो खुद के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो आपकी मील प्लानिंग के लिए। उसके अलावा आप एक वीकली प्लान ज़रूर बना के रखिए ताकि मॉर्निंग में उठ के आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे आज क्या बनाना है, ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। सो इस टेंशन को आज ही ख़त्म कर दीजिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें स्पेशली ध्यान रखनी है, अपने घर में जंक फूड, पैक्ड फूड और जो भी पैक्ड चीज़ें आती हैं वो प्लीज़ ना रखें, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं आपका खाने का मन नहीं करेगा, बट जब तक वो आपके आंखों के सामने रहेंगी, आपके किचन में, फ्रिज में आपको दिखती रहेंगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसी चीज़ें आप अपने घर में लाना ही बंद कर दें, आपके बच्चे भी हेल्दी रहने वाले हैं और आप भी हेल्दी रहने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।